बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वो 53 साल के थे और काफी समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान खान की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया। कई घंटों तक मौत से लड़ने के बाद बुधवार 29 अप्रैल को उनके निधन की खबर आई। वो अपनी सेहत को लेकर काफी समय से परेशान थे, लेकिन वो एक फाइटर थे। उन्होंने कैंसर से जंग जीतने की इच्छा जाहिर करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। इरफान खान ने इसी साल मार्च महीने में मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे लिए ये दौर रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, जिसमें हम थोड़ा रोए और ज्यादा हंसे। उन्होंने कहा, इस दौरान मैं बहुत ही भयंकर बेचैनी से गुजरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसे कंट्रोल किया। ऐसा लग रहा था मानो कि आप लगातार अपने साथ होप्स कोच खेल रहे हो। एक्टर ने कहा था, इस वक्त को मैंने अपने लिए जिया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने बेटों के साथ बहुत वक्त बिताया, उनको बड़ा होते देखा। टीनेज के लिए ये बहुत ही अहम वक्त होता है। जैसे मेरा छोटा बेटा बड़ा वाला अब टीनेज नहीं रहा। पत्नी सुतापा सिकंदर के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा, उसके बारे में क्या कहूँ, वो मेरे लिए 7 दिन 24 घंटों खड़ी रही, मेरी देखभाल की और उनके कारण मुझे बहुत मदद मिली। इरफान खान ने कहा, मैं अभी तक हूँ वो इसकी बड़ी वजह है, और अगर मुझे जीने का मौका मिलेगा मैं उसके लिए जीना चाहूंगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।